गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द वह शब्द होते हैं जिनका एक समान अर्थ निकलता है, जैसे कि मित्र। मित्र को हम दोस्त भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं। तो इन सभी शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है, वह होते हैं हमारे पर्यायवाची शब्द। अब आप सबसे पहले विनाम लिखिए, पर्यायवाची शब्द लिखिए और एक नंबर डालकर लिखना स्टार्ट कीजिए। पहला है मित्र, मित्र का पर्यायवाची शब्द होगा दोस्त, सखा और साथी। मित्र का पर्यायवाची शब्द है दोस्त, सखा और साथी। इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है। दूसरा नंबर है माता, माता का माँ, जननी और सुता। माँ, जननी और सुता, ये माता का पर्यायवाची है। पानी, जल, नीर और अंबू। जल, नीर, अंबू, ये पानी के पर्यायवाची हैं। इन सभी का अर्थ होता है पानी। संसार, जल, दुनिया और जगत। जग, दुनिया और जगत, ये संसार के पर्यायवाची हैं। चांद, चंद्रमा, शशि और राकेश, ये चांद के पर्यायवाची हैं। चांद को चंद्रमा भी कहते हैं, शशि भी कहते हैं और राकेश भी कहते हैं। बादल, घन, मेघ और जलद। घन, मेघ और जलद, ये बादल के पर्यायवाची हैं। हवा, वायु, पवन और समीर। वायु, पवन, समीर। आग, अग्नि, अनल और पावक। अग्नि, अनल, पावक, ये आपके पर्यायवाची हैं। अगला है आंख, आंख का नेत्र, नयन और लोचन। नेत्र, नयन, लोचन, ये आँख के पर्यायवाची हैं। इसके बाद अब मैंने यहाँ पे जगह भर चुकी है, आप इसी के नीचे से लिखेंगे। मैं यहाँ लिख रही हूँ। अगला नंबर है दसवां, घर। घर का पर्यायवाची है गृह, सदन और आवास। ग्रह, सदन और आवास। फूल, पुष्प, सुमन और कुसुम, ये फूल के पर्यायवाची।
दिन, दिवस, वार और वासर, ये दिन का पर्यायवाची है। ये सभी पर्यायवाची शब्द हम अपनी कॉपी में लिखेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। इसका हम एक बार और दोहरान कर लेते हैं। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनका एक समान अर्थ निकलता है। देखिए, मित्र, मित्र के पर्यायवाची है दोस्त, सखा और साथी, माता, माँ, जननी और सुता, पानी, जल, नीर और अंबु, संसार, जग, दुनिया, जगत, चांद, चंद्रमा, शशि, राकेश, बादल, घन, मेघ और जलद, हवा, वायु, पवन, समीर, आग, अग्नि, अनल और पावक, आँख, नेत्र, नयन और लोचन। इसके बाद में घर, ग्रह, सदन, आवास, फूल, पुष्प, सुमन और कुसुम, दिन, दिवस, वार और वासर। ये सभी पर्यायवाची शब्द आपको अपनी कॉपी में करने हैं और इन्हें याद भी करना है।